केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी, माननीय श्री संतोष गंगवार जी, माननीय जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, माननीय डॉक्टर संजीव कुमार बालियान जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती मेनका गांधी जी, डॉक्टर महेश शर्मा जी, सभी माननीय सांसदगण, प्रदेश सरकार में मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, सभी माननीय विधायकगण और पावर कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, आप सबकी शुभेच्छा और सकारात्मक सहयोग से वैश्विक महामारी कोरोना संकट के दौरान भी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन 3,135 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से विद्युत उपकेंद्रों की एक श्रृंखला प्रदेश की जनता को आज यहाँ पर अर्पित कर रही है। मैं इसके लिए आप सभी माननीय जनप्रतिनिधियों, प्रदेश और केंद्र सरकार के माननीय मंत्रियों, माननीय सांसदों, विधायकों को हृदय से इस अवसर पर बधाई देता हूं और पावर कॉर्पोरेशन को समयबद्ध ढंग से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। उत्तर प्रदेश ऊर्जा विभाग ने पिछले 3 वर्षों में एक बेहतर कार्य संस्कृति को आगे बढ़ा करके आम जन के विश्वास को व्यवस्था के प्रति सुदृढ़ करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की है। चाहे वह प्रदेश के अंदर विद्युत वितरण की समान व्यवस्था प्रत्येक नागरिक तक करने के लिए उठाए गए कदम हों, जिसमें जिला मुख्यालयों में 23 से 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति, तहसील मुख्यालयों में 20 से 21 घंटे की विद्युत की आपूर्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में 17 से 18 घंटे की विद्युत की आपूर्ति और बुंदेलखंड क्षेत्र में भी 20 से 21 घंटे की विद्युत की आपूर्ति का संकल्प हो, और चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को जिसके माध्यम से हर एक घर में उजाला देने की लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे बड़ा देश के अंदर लक्ष्य उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के पास था। 1,24,00,000 से अधिक ऐसे परिवारों के पास जिन्होंने आज़ादी के बाद बिजली नहीं देखी थी, उन्हें निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराकर उनके घरों तक भी उजाला पहुंचाने का कार्य किया गया। ये केवल विद्युत कनेक्शन नहीं दिए गए बल्कि इसके लिए लगभग 2,25,000 मजदूरों तक विद्युतीकरण के कार्य के विराट लक्ष्य को भी प्राप्त किया गया, और ये निरंतर प्रयास है कि अभी विद्युत वितरण की जो गति है 18 घंटे, 20 घंटे और 24 घंटे की, पावर फॉर ऑल में हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंशा के अनुरूप प्रत्येक घर तक आने वाले समय में 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति कर सकें, उस संकल्प को और भी सुदृढ़ करने की दिशा में उपकेंद्रों के लोकार्पण और शिलान्यास की एक कड़ी जोड़ी जा रही है। इस सारा कार्य
इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि सभी हमारे केंद्रीय मंत्रीगण, मान्य सांसद और मान्य विधायकगण या प्रदेश सरकार के हमारे सहयोगी मंत्रीगण एक सकारात्मक भाव के साथ राज्य की सरकार को अपनी मदद दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं और टीम वर्क हमारे सामने इस रूप में देखने को भी मिल रहा है। कोरोना संकट के दौरान पिछले ढाई महीनों से हम सब इस बात को देख रहे होंगे कि बिना लॉकडाउन की प्रवाह के बगैर विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने में पावर कॉर्पोरेशन ने प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की। उन क्षेत्रों को जहां पर आपदा के कारण ट्रांसमिशन लाइन को व्यापक क्षति पहुंची, वहां पे हो सकता है कुछ समय भले ही लगा हो, लेकिन सामान्यतः पूरे प्रदेश में विद्युत वितरण की स्थिति इस दौरान भी बहुत शानदार रही और कहीं से भी शिकायत का अवसर प्राप्त नहीं हो पाया। ये जनता के प्रति अपनी जवाबदेही के साथ ही पावर फॉर ऑल के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा उठाए गए कदमों की एक नई श्रृंखला है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज प्रदेश सरकार 1881.75 करोड़ रुपए की लागत से जिन परियोजनाओं को पूरा किया गया है उनका लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। 1253.56 करोड़ रुपए की लागत से नई योजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर आज संपन्न हो रहा है और इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार भी पूरी मजबूती के साथ पावर कॉर्पोरेशन के साथ खड़ी है। सबको बिजली और हरदम बिजली के इस लक्ष्य को लेकर के हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। व्यापक सुधार की उस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है और मुझे प्रसन्नता है कि आज पावर कॉर्पोरेशन लॉकडाउन के तुरंत बाद अनलॉक की पहली इस कार्रवाई के साथ, पहले चरण के इस कार्रवाई को बढ़ाने के लिए जब हम पूरे प्रदेश और देश के अंदर कार्य कर रहे हैं तो एक साथ 3135.34 करोड़ रुपए की लागत की इन सभी परियोजनाओं के साथ पावर कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश वासियों के साथ यहां पर खड़ा है। मैं आज के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को विकास की योजनाओं को पूरी तत्परता के साथ आगे बढ़ाने, आम जन की भावनाओं के अनुरूप विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने, किसानों, मजदूरों और दूर दराज के उन क्षेत्रों में भी विद्युत की आपूर्ति उनकी भावनाओं के अनुरूप करने के लिए जिस संकल्प के साथ पावर कॉर्पोरेशन कार्य कर रहा है उसी कड़ी को सुदृढ़ करने के लिए आज का यह कार्यक्रम हम सबके सामने है। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की भावनाओं के अनुरूप बेहतरीन प्रदर्शन करने में आगे भी इसी प्रकार से सफल होता रहेगा। मैं एक बार फिर से ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा जी को, ऊर्जा राज्य मंत्री श्री रमाशंकर पटेल जी को इन परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने
और नई परियोजनाओं के शिलान्यास के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश की जनता को और उन सभी 25 जनपदों की जनता को जहां की ये परियोजनाएं या तो पूरी हुई हैं और लोकार्पित हो रही हैं या नई परियोजनाओं का शिलान्यास यहां पर हो रहा है। उत्तर प्रदेश लॉकडाउन के बाद पहला राज्य है जो इतने ढेर सारी परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम को एक साथ आयोजित कर रहा है और उसमें भी पावर कॉरपोरेशन, ये सेक्टर अपने आप में ये माना जाता है कि यहाँ पे देने की प्रथा ज़्यादा है, लेने की कम होती है, लेकिन यहाँ पर दोनों कार्य एक साथ चल रहे हैं और एक बड़े लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं और एक साथ लोकार्पण की इतनी बड़ी परियोजनाएं लॉकडाउन के बाद पावर कॉरपोरेशन के द्वारा आयोजित की गई हैं। मैं इसके लिए अपना सकारात्मक सुझाव और सहयोग देने के लिए माननीय केंद्रीय मंत्रियों का, सभी माननीय सांसद गणों का, प्रदेश सरकार के अपने सहयोगी मंत्रियों का, सभी माननीय विधायकों का, जिनका निरंतर सहयोग मिलता है, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उन सबको हृदय से बधाई देता हूं। निश्चित ही आप सबके सकारात्मक सहयोग से न केवल पावर कॉरपोरेशन अपितु तो उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे सभी विभाग निरंतर उत्तर प्रदेश की जनता की भावनाओं के अनुरूप विकास के नए नए प्रतिमान स्थापित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। आप सबको मैं इस अवसर पर एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं। पावर कॉरपोरेशन के सभी अधिकारियों को लॉकडाउन के दौरान विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करने और निरंतर हरेक सम विषम परिस्थितियों में भी प्रदेश की 23 करोड़ जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए हृदय से मैं इन सब की प्रथम को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।